बेटी, बहन, बीवी और माँ होने के नाते विरासत से हमारा हिस्सा कोई नहीं छीन सकता। जहेज के बहाने वालदैन बेटी को विरासती हिस्से से महरूम नहीं कर सकते। कोई भी वारिस अपने कानूनी विरासती हिस्से से इनकार नहीं कर सकता, इसलिए बहन अपना हिस्सा भाई के नाम नहीं कर सकती। अगर कर दिया हो तो कोर्ट की मदद से बआसानी वापस ले सकती है। जी आप बताएं, महकमा माल में नाम ना होने को वजह बनाकर घर वाले औरतों को विरासत से महरूम नहीं कर सकते। बेवा का नान नफका और हक महर अदा करने के बाद ही फौत होने वाले शोहर की जायदाद बाकी हिस्सेदारों में तकसीम की जा सकती है। आप बताएं, इद्दत के दौरान तलाक याफ्ता बीवी के शोहर की फौतगी पर बीवी को तलाक याफ्ता नहीं बल्कि बेवा माना जाएगा और विरासत में हक मिलेगा। PLD 1974 सुप्रीम कोर्ट 22। अगर कोई भी शख्स किसी भी औरत को उसके विरासती हकूक से महरूम करने की कोशिश करेगा तो उसको बाकायदा 10 साल तक जेल की सजा मिलेगी और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर, सिंध गवर्नमेंट के लॉ डिपार्टमेंट की शराकत।